दोस्तों, मेरे भाई बहनों, तो आज आपको मैं कोई खास चीजें बताने वाला हूँ। वो चीजें आपको और आपके रिश्तेदारों को फायदेमंद हो सकते हैं। अपना जो देश है वो देश खेती प्रधान देश है। देश का हर एक आदमी खेती से जुड़ा है, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत मायने रखता है। तो मैं आज आपको कृषि के बारे में वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, ऐसे बहुत चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो जो है आप ध्यान से सुन लीजिए। खेती में बहुत सारे अजूबे हैं, लेकिन अपने को मालूम नहीं रहता कि अभी जो हाइड्रोपोनिक्स तकनीक है वो किसानों के लिए बहुत बड़ा वरदान है। क्योंकि ये हाइड्रोपोनिक तकनीक है, इससे जो पालतू जानवर रहते हैं, पशु रहते हैं, उनको धूप के समय में, गर्मी के समय में हरे चारे का, हरे खाद की मांग पूरी हो सकता है। और अपने पालतू जानवरों की दूध बढ़ा सकते हैं, मांस बढ़ा सकते हैं, मुर्गियों के अंडे भी बढ़ा सकते हैं। ये ऐसा हाइड्रोपोनिक तकनीक है। ये हाइड्रोपोनिक तकनीक आप मकई के बीज से भी उगा सकते हैं और उसका जो खाद निर्माण होता है वो अपने पालतू जानवरों को दे सकते हैं। और बहुत सारे बीज है, उससे भी आप हाइड्रोपोनिक चारा बना सकते हैं, हाइड्रोपोनिक खाद बना सकते हैं। यूनिवर्सल एग्रो मीडिया का सर्च करके ये वीडियो देख सकते हैं। बाद में सीडलेस लेमन है, जो किसान है आज खुदकुशी कर रहा है। तो ये ऐसे जो तकनीक है सीडलेस लेमन का, ये जब किसान ने अपने खेती में इस्तेमाल किया तो किसान अमीर बन सकता है, और अमीर बनने के लिए कोई रोक नहीं सकता। तो इसका किसान ने अपने खेती में इस्तेमाल करना चाहिए। वो सब तरीका हमारे चैनल पर दिया है, वो आप देख सकते हैं। और उसका अपनी खेती में इस्तेमाल करके अच्छे से अच्छे उत्पादन बना के वो दिल्ली मार्केट होगा, बॉम्बे मार्केट होगा, कलकत्ता मार्केट होगा, सभी मार्केट में भेज के किसान अमीर बन सकते हैं और उसको खुदकुशी की जरूरत नहीं। फसलों का होगा और उद्योग व्यवसाय होंगे, वो भी किसानों को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। अभी मुर्गी पालन है, भैंस पालन है, बहुत सारे पालन अपने खेती में कर सकते हैं। अभी हाल में जो महाराष्ट्र में कड़कनाथ मुर्गी का जो पालन हो रहा है, बड़े पैमाने पे हो रहा है महाराष्ट्र में, क्योंकि इस मुर्गी का जो खून रहता है वो खून काला रहता है, और वो काला दवाई के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए कड़कनाथ, उसकी डिमांड भी मार्केट में बहुत है। ड्रैगन फ्रूट है, ड्रैगन फ्रूट का भी दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रैगन फ्रूट का भी अभी बहुत बड़ा चल रहा है। बाद में देसी गाय है, बाद में जो खेती में लगती है कृषि औजारे, हत्यारे, वो हत्यारे के बारे में हमारे चैनल पर पूरा मार्गदर्शन किया है। एग्जीबिशन प्रदर्शनी का इंफॉर्मेशन रहता है, वो हमारे चैनल पर दिया है। बाद में उत्पाद बढ़ाने के तरीके, बकरी पालन, मुर्गी पालन, सस्य पालन, भैंस पालन, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, अनार, अमरूद, अंगूर, गन्ना, मूंगफली, बायोगैस, गेहूं, उर्वरक, कपास, मिर्च, बाज, जैव उर्वरक, तरबूज, काजू, टमाटर, प्याज, लहसुन, फूलों व सब्जी की प्रक्रिया, आयुर्वेदिक वनस्पति, बहुत सारे खेती के वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। नारियल, पपीता, अदरक, आलू, भिंडी, भेड़, डेरी, गुड़, आम, केलीबाग, आंवला, इसी तरह के वीडियो हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। जो नौजवान रहेंगे, बुजुर्ग आदमी रहेंगे, उनको सबको एक रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो है हमारा, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करो, और अपने रिश्तेदारी को फायदे के बारे में सोचने को मजबूर करिए। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। धन्यवाद।